हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सरी ट्रेडर्स में। दोस्तों, नर्सरी ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो बनाए जाते हैं सारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, तो कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसमें ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। दोस्तों, कल के लिए जो स्टॉक्स है HDFC लिमिटेड के बारे में डिस्कस किया हुआ हूँ। बिहारी ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहारी ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पे वीडियो तभी बनाए जाते हैं जब वहाँ पे हमें जो स्टॉक्स बहुत ही पोटेंशियल लगता है तभी उस स्टॉक को रिकमेंड किए जाते हैं। जो कल मैंने एक वीडियो बनाया था सीमंस के ऊपर, वो वीडियो देखिएगा, आज भी परफॉर्मेंस वेल किया है। और सीमंस को आप अगले आने वाले कमिंग डेज के लिए भी अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो। और अभी हम आगे आने वाले वीडियो में सीमंस के बारे में भी अभी बात करेंगे आगे चलकर, मगर अभी जो HDFC लिमिटेड के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस स्टॉक को मैंने बिहारी ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला था जब ये स्टॉक 2400 कुछ रुपीज पर ट्रेड कर रहा था, 24 से 40 रुपये पर ये जब ट्रेड कर रहा था, ये स्टॉक 2420 या 2440 के करीब में ये स्टॉक जब ट्रेड कर रहा था, 2415 रुपये पर मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, 2415 रुपये पर इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, 2415 रुपये पर इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, बाइंग करने के लिए बोला था। पहला था टारगेट जो है ना 2550 और 2650 रुपये का टारगेट मैंने दिया था। पहला टारगेट आज इसने टारगेट अचीव कर दिया है 2560 रुपये का हाई लगाकर, मगर मुझे लगता है कि इस स्टॉक के टारगेट्स और भी अधिक हैं। मुझे लगता है कि इस स्टॉक के टारगेट्स इस मंथ तक अगस्त मंथ तक इस स्टॉक के टारगेट्स आ जाने चाहिए। 2700 से लेकर 2780 रुपये तक के टारगेट्स मुझे दिखते हैं अगस्त मंथ तक, ठीक है। मुझे ये टारगेट एस्टीमेट है, जो अगर इस मुझे लगता है कि इस मंथ तक ये 2780 तक ये टारगेट अचीव कर जाने चाहिए। तो आप इसके अंदर अगर कल के दिन में अगर इंट्राडे अगर ट्रेडर्स हो आप, तो आप कर सकते हो कल के दिन भी। अगर ये स्टॉक किसी कारणवश इस स्टॉक के अंदर गिरावट होता है, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी होंगे आपको बाइंग करने की। इस स्टॉक के अगर मोमेंटम अगर इस HDFC लिमिटेड के अंदर अगर मोमेंटम होता है तो HDFC बैंक के अंदर भी पॉजिटिवनेस देख सकता है, याद रखिएगा। इसकी सब्सिडरी कंपनियां जितनी भी है, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक और HDFC लाइफ, आप तीनों कंपनियों को रखिएगा, क्योंकि इनकी सब्सिडरी कंपनियां हैं, जो भी HDFC की सब्सिडरी कंपनियां हैं, जो भी है, आप इन कंपनियों को रखिएगा तीनों को। इन तीनों में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है और साथ में ही बैंक निफ्टी भी अपसाइड में जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो आप HDFC लिमिटेड को कल अगर बाई करना है किसी को, तो 2600 का कॉल ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, ठीक है। 2600 के कॉल ऑप्शन को आप बाई कर सकते हो। आज मैंने HDFC लिमिटेड को अपने प्रीमियम ग्रुप में बाई करवाया था करीबन 30 रुपये के करीब में, और टारगेट्स मैंने रखा था 50 रुपये का, और वो भी टारगेट अचीव हो गया, मतलब 50 रुपये का टारगेट अचीव हो गया था। मैंने बाई करवाया था 2550 का कॉल ऑप्शन बाई करवाया था 30 रुपये के करीब में, और वो भी टारगेट्स अच्छे खासे मोमेंटम के साथ मिला है। और मुझे लगता है कि ये 2560 के अबव निकलता है तो आपको बाई करना है। किसी कारण बस इस स्टॉक के अंदर अगर ये स्टॉक आपको नीचे गिरता हुआ दिखे 2515 से लेकर 2525 के करीब में अगर इस स्टॉक के अंदर दिखे ना, तो आप इसको बेहिजक बाई करना है। वहीं पे 2515 से 2525 के बीच में बाई करना है और फिर होल्ड कर दीजिएगा, फिर से ये 2560 2575 और फिर से 2600 रुपये तक का टारगेट अचीव करता हुआ दिखेगा HDFC लिमिटेड के अंदर, ठीक है। मैं वो बताता हूँ कि मैंने ये कब रिकमेंड किया था कि इस स्टॉक को 2415 रुपये पर बाई करना है, कब मैंने रिकमेंड किया था, क्योंकि मैंने ये 2415 रुपये पर बाई करने के लिए और 2650 रुपये तक के टारगेट के लिए मैंने रिकमेंड किया था। चलिए बताता हूँ, आप यहाँ ट्विटर पर देख सकते हो, ट्विटर पर मैंने HDFC लिमिटेड को 2410 रुपये पर बाइंग करने के लिए बोला था, और साथ में ही 2350 का स्टॉप लॉस और 2550 का टारगेट था। आप कहोगे तो इसमें 140 पॉइंट का प्रॉफिट आज मुझे बुक करने को मिला, और ये रिकमेंड किया था 28 जुलाई 2021 को 1:15 पर, और ये टारगेट्स आज अचीव हो गए हैं। ट्विटर पर मैंने दिया था, और भी जगह है, फेसबुक पर भी दिया था, और साथ में ही दिया था मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी दिया था, और
स्टॉक ऑप्शन लवर्स ग्रुप जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पर भी दिया था मैं। तो आप इस स्टॉक के अंदर जो बताया हूँ स्ट्रेटजी, अगर उस प्रकार से अगर ये इसके अंदर बनता हुआ दिखे HDFC लिमिटेड के अंदर, तो आप इसके अंदर आपको पोजीशन आप कल क्रिएट कर सकते हो। मगर मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर बहुत पोटेंशियल है और इसको स्टॉक के अंदर मुझे 2700 से लेकर 2780 रुपये तक का टारगेट मुझे लगता है कि ये अगस्त मंथ तक ये टारगेट्स आसानी से जाता हुआ दिख सकता है। चलिए बात करते हैं हम अगले स्टॉक की जो कल के दिन में और भी अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। दूसरा स्टॉक सीमेंस है। सीमेंस के अंदर अभी भी लगता है कि सीमेंस के अंदर अभी भी लगता है कि मुझे पोटेंशियल है अभी इस स्टॉक के अंदर, और मुझे लगता है कि ये अभी और अच्छा मोमेंटम दे सकता है सीमेंस। मगर सीमेंस के एजी एसआई मुझे यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहे हैं ना, इस स्टॉक के अंदर कल गिरावट के संकेत दे रहे हैं, और कितना गिरावट के हैं पता नहीं है, पर कौन से स्टॉक्स को देख कर मैं बता रहा हूँ वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। पर सीमेंस का अगर कल के दिन में वो अगर लेवल जो बाय लेवल बता रहा हूँ कल अगर ब्रेक करता है तभी जाकर अगर आपको बाई करना है, नहीं ब्रेक करता है तो नहीं बाई करना है। याद रखिएगा, लेवल ब्रेक करे तभी बाई करना है। वो कौन से लेवल है? तो कल सीमेंस 2040 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, आज का जो हाई है उसको ब्रेक करता है तो आप उसको अंदर पोजिशन बनाना, अन्यथा मत बनाना। मगर किसी कारणवश गिरावट होता है तो अगर ये 2000 के करीब में जाता है तो पोजिशनली आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हो, ठीक है। गिरावट होता है तो पोजिशनली इस स्टॉक को बाई कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये इस स्टॉक के अंदर 2100 से लेकर 2140-50 रुपये तक के टारगेट्स आसानी से अचीव हो सकते हैं। आने वाले इसके सत्र के जो भी रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट से पहले इसके अंदर 5-10% तक का मोमेंटम आसानी से देता हुआ दिख रहा है सीमेंस के अंदर मुझे। जिस प्रकार से मैंने कल भी बोला था 1980 पर इस स्टॉक के अबव निकलता है तो बाई कर सकते हो, टारगेट आपको 2020-2040 और मुझे लगता है 2050 भी टच कर सकता है, पर 2040 तक इस स्टॉक के आज के टारगेट्स अचीव हो गए हैं। और इसके अंदर मैंने कल बोला था कि 2000 के कॉल ऑप्शन आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे अगर 1980 के अबव निकलता है तो। और आज देखिएगा ये ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल कर दिया है सीमेंस ने। तो सीमेंस के अंदर कल भी आपको रख सकते हो। अगर 2040 के कॉल ऑप्शन को अगर आप एबव निकलता है 2040 के, तो आपके नियरेस्ट कॉल ऑप्शन जो भी होगा 2050 या 2060 का, उसको बाई करना, आपके अंदर एक अच्छा मुनाफा आप सीमेंस के अंदर अभी भी उठा सकते हो। मगर किसी कारणवश गिरावट अगर 2000 के करीब में जाता हुआ दिखता है ना, तो पोजिशनली से स्टॉक के बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से बना सकते हो। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 2100-2140 रुपये तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और अगला पॉइंट क्या है कि सीमेंस के अंदर मैं क्यों कह रहा हूँ कल कुछ गिरावट या मतलब रेंज में ट्रेड कर सकता है, क्योंकि एक स्टॉक है सीमेंस एजी, ये देखिए यहाँ पे ये आपको यहाँ ये दिख सकता है सीमेंस का एजी। ये स्टॉक मुझे लग रहा है ना कि ये स्टॉक के अंदर कल ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ETR SIE के अंदर है और इसके अंदर देख रहे हो आज के दिन में जो टूडे गेन है 0.18% का, और उसके अंदर मुझे लगता है कि कल भी इसके अंदर उतनी अच्छी तेजी नहीं मिल देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ABB आप ये ABB लिमिटेड को भी आप इस प्रकार के शेयर्स में अगर तेजी देखने को मिलता है ठीक उस स्टॉक के अंदर, अगले कोई स्टॉक के अंदर आपको देखना है कि उसके अंदर क्या है, तो आप ये स्टॉक को भी देख सकते हो। इस स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि ABB लिमिटेड के अंदर इस स्टॉक के अंदर सिर्फ 0.79% का अभी तक का मोमेंटम है, तो इस स्टॉक को भी देखकर आप उसके अंदर ABB लिमिटेड के अंदर आप इंडियन मार्केट में कल के दिन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो। मगर मुझे लगता है कि जब मेरा सीमेंस का जो अपना बताया हूँ मैं आपको, सीमेंस अगर कल के दिन में जब लेवल ब्रेक करता है तभी पोजीशन बनाना है, अन्यथा नहीं बनाना है। अगर गिरावट 2000 के करीब में जाता है तो 2000 के करीब में पोजिशनली से स्टॉक को बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, और जो पहले बाई कर रखा है डरने की जरूरत नहीं है, आपको टारगेट्स जरूर मिलेंगे। 2050 के टारगेट तो मुझे अचीव करता हुआ आज ही दिख गया 2050 का, कल आपको नहीं मिला है तो कल आपको 2050 का भी टारगेट मिल जाएगा, और 2100 का टारगेट आप इस वीक तक मुझे लगता है कि अचीव भी कर देगा। तो सीमेंस और दूसरा HDFC लिमिटेड और भी स्टॉक्स चलिए डिस्कस करते हैं। सीफोर्ज के अंदर इस स्टॉक को देख सकते हो आप, इसके अंदर करीबन 3% तक का गिरावट देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि कल भी इसके अंदर गिरावट देखने को मिल सकता है। तो कल अगर किसी को बाई करना है
तो इस स्टॉक के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी किसी को बनाना है तो 5000 के अबव निकलता है तो बाई बनाना है, 5000 के अबव बाई करना है, 5000 के अबव निकलता है तो 5000 के अबव निकलता है तो 5000 के कॉल ऑप्शन को भी आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। सी फोर्ज के अंदर, मतलब सी फोर्ज के अंदर अगर 5000 के अबव निकलता है तो 5000 का कॉल ऑप्शन भी बाई कर सकते हो। अगर ये डाउनफॉल दिखता है, डाउनफॉल में अगर इस स्टॉक के अंदर अगर 4950 के नीचे निकलता है तो आप 4900 का कॉल ऑप्शन भी, पुट ऑप्शन पीई भी बाई कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा ये 550 रुपये का ही टाइम होराइजन, आइदर अपसाइड और आफ्टर डाउन साइड। अगर 5000 के अबव निकलता है तो 5000 का कॉल ऑप्शन, और 4950 को नीचे निकलता है तो आप पुट ऑप्शन बाई करके 4900 का एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सेल भी कर सकते हैं 4900 के नीचे, आपको रखना है 4850 रुपये तक के टारगेट के लिए। 2% तक का डाउनफॉल में नीचे लगता है, अपसाइड बढ़ता है तो करीबन 1 से 1.5% तक का मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है सीफोर्स के अंदर। तो इसको रखना है आपको रडार पे। वीडियो लंबा ना हो, इसके अंदर 3 स्टॉक रिकमेंड किया हूं, पर वीडियो अभी और है, मैं उसमें बात करते हैं।